टोटल काम कथी करवाता हूँ। सब लापरवाही के कारण के नतीजा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार शरीफ से आ रही है, जहाँ बड़ी पहाड़ी स्थित बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल की दीवार गिरने से 4 लोग मलबे में दब गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेजा गया है। अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्य जारी है। मौके पर BDO, थानाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि दीवार के पास एक सैलून था, जो दीवार गिरने से ध्वस्त हो गया। सैलून के संचालक को गंभीर चोटें आई हैं। मलबे में 2 और लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोग स्मार्ट सिटी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। टोटल काम कथी करवाता हूँ। सब लापरवाही के कारण के नतीजा हुआ है। यहाँ पर जो डिसमेंटलिंग शुरू से जो कर रहा है स्कूल वाला जो ठेकेदार है, और जो नगर निगम का कुछ पदाधिकारी लोग भी है, इसका इंजीनियर को हम लोग कई एक बार बोले हैं, जो शुरू मत डिसमेंटलिंग का काम किया, कि जितना काम है तुम्हारा डिसमेंटलिंग के पहले इसको जाल नेट बिछाओ, लेकिन ये एक बात नहीं मानता। क्या हादसा हुआ है इसमें? अभी मिट्टी का जो दबाव ज्यादा दीवार की तरफ पड़ा, तो वहाँ पर एक कौन सैलून का दुकान था, वीरेंद्र शर्मा, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लगता है बचेगा कि नहीं बचेगा। इस रोमन ठाकुर है ना। कितने लोगों की दबने खबर आ रही है? अभी 3-4-5 को है दबा हुआ। कितने लोग निकाला गया है? अभी तक 3 को निकाला गया है और 1 अभी जो है दबे हुए है। कितने बजे हादसा? लगभग ये अभी लगभग 10-15-20 मिनट, मोटा मोटी आधा घंटा मान के चलिए, आधा घंटा हुआ है। लेकिन इसमें एकदम जिला प्रशासन का लापरवाही है। क्या क्या नाम लिखते हैं? हम CPI से शिव कुमार यादव सरदार जी। सर, इसमें किसको दोषी माना जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा मनमानी किया गया और कहीं सेफ्टी नहीं बरती गई। वो जांच करेंगे पहले। उनका मेन रेस्क्यू